ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी चलता रहेगा, ये अगली क्लास में भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। आज भी सिखा रहा हूँ कि NaOH है, इस NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या निकलेगा, उसका तरीका देखो कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, चार के तीन, तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, ए अलग एलिमेंट नहीं है, एन ए मिलाकर है, कैपिटल के साथ जो स्मॉल होता है वो एक ही एलिमेंट का सिंबल होता है, ठीक है। दैट इज सोडियम, दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज हाइड्रोजन। तो आपको करना क्या है, हर एलिमेंट के साथ प्लस लगा देना है, ठीक है। लाइक एन ए प्लस ओ प्लस एच। इसके बाद क्या करना है आपको, हर एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को रख देना है। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये इन तीनों को फिर आप कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर देंगे, 23 प्लस 16 प्लस 1, और आंसर आ जाएगा आपके पास 40, ठीक है, 40 AMU। तो 40 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH एंड दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। सेकंड, अगर मैं यहां पर लिखता हूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास किस तरह निकालेंगे, तो याद रखो कि जब नीचे कोई नंबर लिखा होता है फिर क्या करते हैं छोटा सा, यस देन वी विल मल्टीप्लाई, यू आर राइट। तो क्या करेंगे, सी प्लस ओ, अब नीचे जो नंबर लिखा है ना छोटा सा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सी प्लस ओ मल्टीप्लाई बाय 2। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ बच्चे गलती करते हैं, याद रखो बॉड मास एक रूल होता है, या डी मास रूल जिसको आपने पढ़ा होगा। तो बॉड मास रूल किसे कहते हैं, मैथ्स में पढ़े इस रूल के बारे में, बॉड मास के बारे में। तो सबसे पहले BO ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, देन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। मतलब प्लस माइनस करने से पहले हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, उसका मतलब ये हो गया, ठीक है। याद रखें, हाँ यस, पहले 16 × 2 करना पड़ेगा, 12 और 16 को ऐड नहीं करेंगे पहले, ठीक है, मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक। तो जाएगा 12 प्लस 16 × 2 = 32, और ये 32 प्लस 12 इनको आप कैलकुलेटर की मदद से ऐड करोगे और ये आ जाएगा 44 AMU, सही है। ये मैंने बताया कि जब छोटा नंबर लिखा हो तो क्या करना है, सेम इस तरह से Na2CO3 इस कंपाउंड का मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालना है। तो इसमें दो जगह पर छोटे नंबर आए हैं, तो एक तो Na के साथ है, तो क्या हो जाएगा, Na × 2 प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन × 3, ठीक है। तो ये Na का हो गया 23, अब एटॉमिक मास पुट कर दो, 23 × 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का, अब बॉड मास रूल लगाएंगे, बॉड मास के लिहाज से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम एडिशन का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 16 3 = 48। आपको ज़रूरत नहीं है कि टेबल याद होनी चाहिए, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 9th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तीनों को ऐड करें, क्या आ जाएगा, 106 ओके 106 AMU, क्लियर है यहाँ तक। इसको लिखे ना, अभी इसे सुन ले आप मुझसे, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, लिख आखिरी में मैं बस ख़त्म करके लिखवा दूँगा। तो ये तो इजी मैं आपको शुरू में मैं बता रहा हूँ, जो आसान है, टिपिकल भी आता है, मुश्किल भी आता है। लेट से अगर कभी ब्रैकेट लगा हुआ जाए तो बच्चे उससे डर जाते हैं ब्रैकेट से हमेशा, जैसे बैलेंस इक्वेशन में ब्रैकेट आ गया तो मुश्किल सा हो गया था। जैसे CaOH ट्वाइस, ये ब्रैकेट वाला आ गया, अब इसको कैसे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये हो जाएगा आपके पास Ca प्लस। अच्छा याद रखो, आप प्लस के बाद हर दो एलिमेंट के बीच में प्लस लगता है, तो प्लस के बाद आप ब्रैकेट शुरू करेंगे O प्लस H, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और नीचे 2 लगा हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 2। इसका ये मतलब होता है कि ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ है, OH के साथ 2 है, सिर्फ H के साथ नहीं है, ठीक है। एटॉमिक मास पुट कर देंगे, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1,
बॉर्ड मास रूल, बॉर्ड मास कहता है ब्रैकेट का काम सबसे पहले खत्म करो, तो ये हो जाएगा 40 + 16 + 1 पहले करेंगे, दोबारा बॉर्ड मास रूल, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड का काम करो, तो फिर मल्टीप्लाई का काम 40 + 17 = 34, तो ये हो जाएगा 40 + 34 हो जाएगा 74 AMU, आप कैलकुलेटर से ऐड करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बस समझ में, ब्रैकेट वाला कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सो बाकी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में आगे जाके करेंगे, ठीक है।